दुकानें तो बहुत हैं, बट इन्हीं की दुकान क्यों चूज करी आपने? भैया पहले हमने ना पूरी मार्केट छानी। अच्छा ठीक है, वो हमारे को रेट नहीं मिला। हम सुबह 10 बजे के आए हुए थे लगभग, तो नाना करते हमने 6-7 दुकानें देखी, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी। ठीक ठीक है, बट हमारे को इनका प्राइस ना रीजनेबल लगा। ओके, यानी कि आपने इतनी सारी दुकानें सर्च करी, उन्होंने वो रेट अच्छा दे दिया। और चीज कैसी लगाई? चीज एकदम ओके लगाई। दोस्तों क्या हाल है, एक बार फिर से आ चुका हूँ मैं गर्मी में आपके लिए और गर्मा गर्म वीडियो लेकर के। अभी देख लो मैं कहाँ पे आऊँ, करोल बाग में हूँ और मैं आप भी आ चुका हूँ ऑटो फैंसी पे। और अपने पास जो गाड़ी लगी ना, ये भाई लगी है डिजायर, मारुति की डिजायर है। बेस वेरिएंट अपने पास आया हुआ है और इस बेस वेरिएंट में अभी क्या क्या चीज़ें लगा रहे हैं आप जब देखोगे ना, तो आपका भी मन कर जाएगा भाई ये तो मुझे भी अपनी गाड़ी में लगवाना है। ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो आ चुकी है। अभी अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ इसका कि क्या क्या चीज़ें इसमें हम लगा रहे हैं, बाकी डिटेल वीडियो भैया बताएंगे। ठीक है, तो उनसे भी मिलवाऊंगा और डिटेल वीडियो आप देखना सारी डिटेल्स के साथ। और एंड में हम बात करेंगे भाई इस गाड़ी के मॉडिफिकेशन पे क्या खर्चा आ चुका है, और बात करेंगे इसके ओनर से और उनका ओनरशिप रिव्यू भी लेंगे और पूछेंगे कि भाई ये सारा काम उनको कैसा लगा। ठीक है, तो चलो अभी जैसे मुझे अभी पता लगा है, तो लाइक इसके जो हेडलाइट है ना, इसमें LED लगाई गई है, ये देखो। ठीक है, LED लगाई है, कितने वोल्ट के वो भैया बताएंगे। वो अच्छा भैया ने ऑन भी कर दिया, तो देखो भैया दिन का टाइम है अभी। ठीक है, और रोशनी अभी काफ़ी अच्छी आ रही है, प्लस नीचे फॉग लाइट में भी LED लगाई गई है, ये आप देख सकते हो फॉग लाइट लगाई गई है। बाकी इसके डिटेल अभी हम भैया से लेंगे। ठीक है, अंदर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सीट कवर अभी लगाए गए हैं। ठीक है, और डैम्पिंग भी इसमें हो रही थी जब मैं आया था। बाकी स्टेयरिंग पे कवर भी अभी रैप इसको किया गया है। सिस्टम की बात भी करेंगे, तो अभी काम अभी चल ही रहा है। मैंने 2 मिनट बस अभी काम रुकवा दिया था ताकि मैं छोटा सा इंट्रो आपको दिखा सकूँ पहले। ये आप देख लो, तो देखो भाई यहाँ पर अपना जो सब ऊपर ना वो भी लग चुका है, ये देख सकते हो। ठीक है, बाकी तो देखो ये रही इसकी LED, ये सब कुछ है। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डिटेल वीडियो की बात करेंगे, अभी भैया ही बताएंगे। बाकी यहाँ डैम्पिंग आप देख लो, इसकी जो डिग्गी है ना उसमें भी लगाई गई है। भाई अब काम अपनी गाड़ी में कंप्लीट हो चुका है और आपको वापस एक बार मैं पहले दिखा दूं कि हम आ चुके हैं ऑटो फैंसी पे, और ऑटो फैंसी पे अपनी जो डिज़ायर है ना वो रेडी हो गई। अब दिखाता हूं आपको इसमें कि क्या क्या हमने काम कर दिया है। तो सबसे पहले मैं भैया से मिलाऊंगा। भैया कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। तो आपको भैया के बारे में बता दूँ कि नंद किशोर नाम है भैया का, और शॉप का नाम आपने देखा है यहाँ पर ऑटो फैंसी नाम से है। और अपने पास जो गाड़ी है वो है अपनी डिज़ायर। डिज़ायर का भैया ये VXi वेरियंट है। हाँ जी हाँ जी, VXi। पहले मैंने इसमें LXi बोला था, बड़ी LXi नहीं है, ये VXi वेरिएंट है। तो अब इसमें क्या क्या काम किया भैया, एक एक करके बताना शुरू करो। सबसे पहले तो इसमें हमने LED लगाया है 220 वाट। ठीक है, कितना वाट? 220 वाट। 220 वाट की LED। ये भाई भाई सामने आपको थोड़ा सा इसका थ्रो दिखाऊंगा। भाई थोड़ा सा भी ट्रैफिक जा रहा है, शाम का टाइम है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, बट रोशनी काफ़ी ज़्यादा है। ये देखो हाई लो इसका दोनों आप देख सकते हो। उसके बाद हमने इसमें फोक लैंप इंस्टॉल किया है। ठीक है, फोक लैंप में 110 वाट LED इंस्टॉल किए हैं। ठीक है, 110 वॉट की LED इसमें हमने फॉग लैंप में भी इंस्टॉल कर दिया है। बाकी आप यहाँ की लाइट देखो, ज़बरदस्त फ्लो के साथ भाई, थ्रो काफ़ी अच्छा है भैया इसका। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया लाइटिंग, बहुत बढ़िया है। ठीक है, और क्या किया भैया इसके अलावा? उसके बाद पहले मैंने बाहर के सामान दिखाते हैं, आप इधर से आ जाएं। ठीक है, हमने इसमें डोर वाइजर इंस्टॉल किए हैं। ठीक है, उसके बाद साइड का बीडिंग इंस्टॉल किए हैं। ओके, डोर गार्ड इंस्टॉल किए हैं। ठीक है, बम्पर प्रोटेक्टर इंस्टॉल किए हैं। बम्पर प्रोटेक्टर भाई देखो, अभी दिल्ली जैसी शहर में आप गाड़ी चलाते हो तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। जी जी, उसके बाद हमने एक कैमरा भी इंस्टॉल किया साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिवर्स कैमरा है ना वो भी अभी भैया ने इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, और ये व्हील कैप भी हम लगाए हैं। व्हील कैप भी लगाए हैं, व्हील कैप भी आप देख सकते हो। उसके बाद रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो पीछे रिफ्लेक्टर भी लगाया है जो कि इंडिकेटर पर काम करेगा। भैया एक बार इंडिकेटर देना, ये देखो तो प्रॉपर ये मैट्रिक्स में रहेगा। हाँ जी हाँ जी, मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो किस तरह से इसकी जो लुक है वो चेंज हो गई है। अब आप अंदर आइए। ठीक, आप इसमें देख सकते हैं जैसे हमने डोर पैनल पे भी रैप किए हैं।
ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, स्टेयरिंग रैप किए हैं, सीट कवर लगाए हैं, नाइस। उसके बाद इसमें आर्मरेस्ट लगाए हैं, ओके। एंड्रॉयड लगाए हैं भैया, क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगी एंड्रॉयड की? बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कोई एंड्रॉयड ही नहीं आया है आज तक। अच्छा जी, उसके बाद इसमें हमने डैम्पिंग भी किया है दरवाजे में। ठीक है, डैम्पिंग हो चुकी है चारों दरवाजों में और पीछे दरवाजे में डैम्पिंग हो चुकी है। आगे पीछे कोएक्सल लगाए हैं, आगे का कॉम्पोनेंट लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर में अगर एक 70 मैट इंस्टॉल कर दिए हैं, ओके। अभी थोड़ा सा अंधेरा है भाई, इसके लिए थोड़ा सा इग्नोर करना। एलईडी कर दिए हैं, छत में एलईडी लगा दिए हैं। ये देखो, तो रूफ में एलईडी जो है वो लगाई गई है, पहले इसमें येलो लाइट आती है, हाँ जी, तो उसको रिप्लेस करके यहाँ पर हमने जो है ना व्हाइट लाइट लगा दिया। जी जी, प्लस यहाँ पर वेलकम लाइट भी हमने लगाई है भैया। जी जी, वेलकम लाइट भी हमने लगाई। देखो, डिजायर की बैजिंग के साथ में आपको मिल जाएगा, एक सेकंड। तो डिजायर की बैजिंग के साथ में आपको ये वेलकम लाइट भी यहाँ पर मिल जाएगी, ये काफी अच्छा लग रहा है। बाकी मैं जैसे देखूँ, जैसे सीट कवर जिस कलर के हैं उसी तरह का आपने स्टेयरिंग भी यहाँ पर लग दिया, और जो अपने डोर गत्तों में पैनल्स हैं जी जी उस पर भी हमने सेम कलर में ही काम किया जी, बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इंटीरियर वर्क वैसे और करना चाहता हूँ, करवा सकते हैं बिल्कुल। इंटीरियर में बहुत कुछ, जैसे इंटीरियर में हमने डैशबोर्ड कर देने हैं, पीछे गत्ता कर देने हैं, वो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट हो, पिलर हो जाएगा, हाँ, जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट हो सारे काम हो जाएगा सर। ठीक है, तो देखो ये सब कुछ आपके ऊपर होता है कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें लगवानी है। जी जी, आप वैसी चीज़ें इंस्टॉल अपनी गाड़ी में करवा सकते हो। अच्छा भैया, स्पीकर्स हमने कौन कौन से इसमें इंस्टॉल किए हैं? स्पीकर इसमें हमने डीडी का आगे कंपोनेंट इंस्टॉल किए हैं, पीछे कोएक्सल डीडी का लगाए हैं। इसके बाद रॉकफोर्ड का हमने बेस ट्यूब डाल दिए हैं, बूफर डाल दिए हैं, मैंने रॉकफोर्ड का फिर बेस ट्यूब बूफर डाल दिए हैं इसमें। उसके बाद एप्पल कारप्ले स्टीरियो लगाए हैं, एप्पल कारप्ले। तो देखो इस गाड़ी में तो आज जो काम है ना, ये नहीं बोलूंगा कि बहुत कुछ इसमें कर दिया, बट ऑप्शन आपका पास भरपूर होते हैं। आपको इसके अलावा भी बहुत कुछ अगर करवाने का मन हो तो आप वो करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना बताना है, अपना बजट, या फिर आप अपना रिक्वायरमेंट बताओ कि आपको क्या चीज़ें लगानी है। अच्छा भैया ने बोला कि इंटीरियर में बहुत कुछ हो सकता है, लाइक जैसे पिलर्स हो गए, डैशबोर्ड हो गया, ये सब आप करवा सकते हो। सॉफ्ट टच जैसा भी यहाँ पर हमने किया है कुछ हिस्से पे, ठीक है ना। बाकी की जो भी चीज़ अगर आप कोई चेंजेस चाहते हो अगर ऐसा, तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ भैया के पास यहाँ पर है। बिल्कुल, पूरे गाड़ी का इंटीरियर चेंज कर देंगे सर, पूरे गाड़ी का इंटीरियर चेंज हो जाएगा। किसी को रूफ लाइट लगानी लगा दो, रूफ वगैरह हर चीज उसमें, रूफ लाइट जो लगती है, हाँ, रूफ लाइट भी लग जाएगा, रूफ ब्लैक भी कर देते हैं, ग्रे कर देते हैं, जैसे आपको कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है वो काम करके देते हैं। ठीक है, तो अब एक बारी बात कर लेते हैं ओनर से, गाड़ी के ओनर से, उनसे पूछते हैं कि भाई उनकी क्या राय है इस काम के बारे में। ठीक है, तो भैया बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कारखाना पे आप लोगों का। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहता हूँ मैं। मेरा नाम सन्नी है। और आपका नाम? समीर। समीर भाई, आप दोनों कहाँ से आए हो आज? हम रजौरी गार्डन से आए। रजौरी गार्डन से आए हो, ओके। तो यहाँ पर हमने डिज़ायर लेके आया आप काम कराने। देखो दुकानें तो बहुत हैं, बट इन्हीं की दुकान क्यों चूज़ करी आपने? भैया पहले हमने ना पूरी मार्केट छानी। अच्छा ठीक है, वो हमारे को रेट नहीं मिला। हम सुबह 10 बजे के आए हुए थे लगभग, तो नाना करते हमने 6-7 दुकानें देखी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, ठीक ठीक है, बट हमारे को इनका प्राइस ना रीजनेबल लगा। अच्छा ओके, हाँ, यानी कि आपने इतनी सारी दुकानें सर्च करी, उन्होंने वो रेट अच्छा दे दिया हमारे। और चीज़ कैसी लगाई? चीज एकदम ओके लगाई, और मेरा फेवरेट ब्रांड है डीडी। अच्छा डीडी, खुश हो ना? हाँ। देखो म्यूजिक क्या है ना कि आजकल बहुत ज्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक मारने लगा है यूट्यूब, तो मैं इसलिए ना म्यूजिक सुनाता नहीं हूँ। और क्या होता है ना कि हमारे जो माइक्स हैं वो इतना ज्यादा लाउड म्यूजिक जो है ना वो कैप्चर नहीं कर पाता, इनकी कैपेसिटी तो उतना ज्यादा समझ नहीं आता वीडियो में। बट मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ, देखो आप ओनर हो, आपकी गाड़ी में काम हुआ, आपको कैसा लगा? जेन्युइन? बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम है, और बेसिकली मेरा काम डीजे का है। ओके, तो आप अच्छा, तो फिर हम सकते हो कि साउंड लवर कैसे है? वही मैं बोल रहा हूँ, हम आपसे मतलब वो नहीं कर सकते है ना, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा नॉलेज होगी यहाँ पर म्यूजिक की, कितना चाहिए क्या चाहिए। मेरा छोटा भाई है, बेसिकली गाड़ी इन्हीं की है। अच्छा ठीक है, ये मेरे को साथ में लेके आया कि भैया आप मेरे साथ चलो, कि आपको ज्यादा नॉलेज है साउंड की, ठीक है, आप इस लाइन में 8-10 साल से हूँ मैं, ठीक है ठीक है। तो इसी चक्कर में ये मेरे को लेके आया, भैया आप चलो मेरे साथ, आप करवाना काम। ओके बहुत बढ़िया, तो अच्छा छोटे भाई आप खुश हो काम से? बिल्कुल एकदम सेटिस्फाई, सेटिस्फाई होके जा रहे हो। अगर मान लो आप दोनों से मैं नंबर लेता हूँ भैया के काम के लिए, तो काम के लिए कितना नंबर देने वाले हो? 10 ही देंगे हम तो, 10 पूरे 10। वाह, और इनके नेचर के लिए? नेचर के लिए तो बस पूछो ही मत, जितने देंगे उतने काम है। अरे वाह, ध्यान रखना भैया ना आपका। बिल्कुल रखा, सुबह से चाय पानी, कभी कुछ
ऐसी कोई समस्या तो नहीं आनी थी और ऐसी कोई चीज जो भैया ने जबरदस्ती बोला हो कि नहीं चेप ही देता हूँ मैं इनको लगाई नहीं ऐसा कुछ नहीं था ऐसा तो कुछ नहीं है ना जो आपने रिक्वायरमेंट थी हमने वही डलवाया वही डलवाया ओके चलो काम से खुश होकर जा रहे हो आपने नंबर भी अच्छा दे दिया है कल को जब ये आप जैसे घर लेके जाते हो तो यार दोस्त पूछेंगे ही वैसे तो देखो बहुत हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत कुछ इसमें अपग्रेड करें लेकिन जो बेसिक चीजें हैं जो जरूरत की चीजें थी जैसे हेडलाइट में आपने एलईडी डलवा ली नीचे फॉग लाइट में एलईडी डलवाई अंदर का भी आपने जो सीट कवर का कलर है या इंटीरियर का जो स्टीयरिंग रैपिंग हुई है डोर गत्ते पे वो कलर आपने काफी अच्छा चूज किया ये कलर चूज इन्होंने किया है इंटीरियर में सिर्फ साउंड के लिए मैं आया था अच्छा साउंड एक्सपर्ट तो वैसे भी आप हो साउंड के लिए स्पेशली मेरे को लेके आए थे ठीक है बाकी इंटीरियर वगैरह इनके फादर भी आए हैं वो अभी कहीं घूमने गए हुए हैं तो इंटीरियर वगैरह वो इन्होंने चूज करा बाकी वेलकम प्लेट हो गई एलईडी वगैरह हो गई वो इनके फादर ने और इन्होंने चूज इन्होंने अपना सिलेक्ट किया है बस साउंड के लिए मैं बहुत बढ़िया तो आप खुश हो गाड़ी है जो मैं मॉडिफाई करवा रहा हूँ साउंड के रिलेटेड ओके चलो कोई बात नहीं मैं आपसे अभी टच में रहूंगा मैं अपनी गाड़ी में भी आपसे करवाऊंगा फिर भाई ने अपनी गाड़ी में भी 2.5 लाख का लगवा रखा है अरे तो भाई डीजे है भाई तो डीजे की गाड़ी में इससे नीचे क्या ही लगेगा अब अच्छा। मेरी गाड़ी में डेफ बोन्स का पूरा सिस्टम लगा हुआ बहुत बढ़िया ठीक है वो अभी मैंने 2-3 महीने पहले सेल करी है ठीक है अभी मेरे पास फॉर्चुनर है ठीक है उसमें मैंने नॉर्मल साउंड रखा रखा है क्योंकि मेरे को अब ज्यादा लाउड अच्छा नहीं लगता क्योंकि शादी होने के बाद में बीवी बच्चे होते हैं उनको ज्यादा लाउड अच्छा लगता हाँ, है वो तो है वो तो है वो थोड़ा सा हो ही जाता है बस वो हमारे को जो साउंड सुनना हो तो हम अपने साउंड वहां पे साउंड बॉक्स में सुनते हैं हम राइट अच्छा अब भैया से मैं बात करूंगा तो भैया थोड़ा सा आप अपने व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहते हो कौन सी गाड़ी करते हो कौन सी नहीं करते हो सब बता दो मैं सारे गाड़ी करते हैं जो भी गाड़ी अपने पास है सारे गाड़ी करते हैं सारी गाड़ियों का काम सारी गाड़ियों का काम होता है मतलब बेस टू टॉप करना देते बेस टू टॉप करवा देंगे कोई दिक्कत नहीं दूसरी बात करोल बाग पूरे करोल बाग में रेट का फुल गारंटेड रेट देंगे वो देखो ये तो दोनों भाइयों ने बोल दिया वो बोल रहे हैं कि 5-7 दुकानें घूम के आए हैं उसके बाद आप ही को चूज किया 2 बजे आए हैं और 2 बजे से कहा था इन्होंने मुझे जैसे बताया इनका रिक्वायरमेंट था जो कहा था इनके पास बजट था मैं उसी बजट में काम करके दिए और काम भी क्या करते हैं दिल से करते हैं कोई भी गाड़ी हो दिल से काम करते हैं दुकान भी नई खुली है ऑटो फैंसी और साथ में हम अगर यहाँ होते हैं तो मेरे साथ एक ओम प्रकाश झा हैं चुन्नू झा जी भाई अटेंडेंस लगा दो ये हैं चुन्नू जी और ये पिंटू जी हैं और वो पिंटू जी सारा मॉडिफाई अंदर का काम जो है ना मॉडिफिकेशन का इधर माइक कर पिंटू जी ही करते हैं सारा काम ओके तो देख लो भाई अगर अब भैया अगर किसी दिन अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है दोनों भाइयों को पहचान लो दोनों भाई यहाँ पर हैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोनों भाई हम काम संभाल लेंगे ठीक है ना जी, बिल्कुल तो देख लो मैं थोड़ा सा कैमरा अपनी तरफ घुमा लेता हूँ और अब बात करता हूँ देखो भाई क्या होता है ना कि मार्केट बहुत बढ़िया करोल बाग मार्केट ठीक है आप कहीं पे भी चले जाओ काम तो कहीं पे भी हो जाएगा इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है आप कहीं पे भी जाके काम करा सकते हो लेकिन मेन पॉइंट पता क्या है जो इस वीडियो में दोनों भाइयों ने खुद से बोला कि हम यहाँ आने से पहले 5-7-8 दुकानों में घूम आए प्राइस लिया उन्होंने और देखो पता क्या समझदारी भी है कि आप प्राइस कहीं से पता करके आओ राइट बट इसीलिए मैंने भाइयों से पूछवाया ये कि उन्होंने खुद ही वैसे बता दिया तो अगर आपको कोई भी इशू हो प्राइसिंग का तो आप यहाँ पे टेंशन फ्री आ सकते हो यहाँ आओ भैया के पास अपने बजट में अपना काम करवाओ आपका बजट इससे अच्छा है तो और अच्छा काम हो सकता है आपकी गाड़ी में या फिर अगर कम बजट में भी कोई भी गाड़ी का काम कराना तो उसके लिए भैया यहाँ पर बैठे हैं फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा प्लस यहाँ पर अभी आप स्क्रीन में आप देख रहे हो स्क्रॉल होते हुए तो यहाँ से भी फ़ोन नंबर ले सकते हो भैया को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो 7 डेज ओपन है हम सेवन डे ओपन है तो कभी भी आओ अपनी गाड़ी में काम करवाओ वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके जाना भूल जाते हो सब्सक्राइब करके जाना तो ये सब कर देना छोटी छोटी चीज़ें बाकी कौन सी गाड़ी की और वीडियोज़ देखना चाहते हो वो बता देना वो मैं बनाता हूँ फिर